हम लोग अपने मांग के लिए अगर हम लोग को एक महीना या एक साल बैठना पड़े तो हम लोग उसके लिए बैठेंगे। अगर सरकार पशुओं के हित में नहीं सोच सकती, कम से कम इंसानों के हित में उन्हें सोचना चाहिए। जब तक हम लोग लिखित में कुछ नहीं मिल जाता, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। मोर्चा हो रही है, हड़ताल पर क्यों आए हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, हम लोग जो है बिहार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का अलाउंस बढ़ाया जाए। आपको पता होगा कि बिहार में 2016 से पहले जो है दुग्ध उत्पादन सिर्फ और सिर्फ 50 लाख मीट्रिक टन था, जो कि अभी बढ़कर के 115 लाख मीट्रिक टन हो गया है। जब हम दुग्ध उत्पादन में, उसी की तरह अंडा में भी बढ़ोतरी हुई है। अभी हम अपने देश में बिहार का पोजीशन तीसरा है, जो कि 2016 में नामोनिशान नहीं था इस तरह का। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकार को हमसे बहुत मुनाफा हो रही है, लेकिन सरकार हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों हम लोग के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? बगल के आप उत्तर प्रदेश में BHU में देखिए कि वहाँ 23,000 रुपया मिल रहा है, केरल में देखिए 20,000 रुपया मिल रहा है, वहीं हरियाणा आप चले जाइए वहाँ भी 17,000 रुपया मिल रहा है। इस तरह से अगल बगल के क्षेत्रों में, अगल बगल के राज्यों में पशु चिकित्सा पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पशु चिकित्सा से मुनाफा होने के बावजूद भी सरकार हम लोग को सिर्फ आश्वासन दे करके छोड़ रही है। आखिर क्यों? हम सरकार से यही आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री जी कृपया हमारी बातों को सुने। जब तक आपके द्वारा लिखित रूप से कुछ नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग अपने मांग हड़ताल को नहीं खत्म करेंगे। हम लोग अपने मांग के लिए अगर हम लोग को एक महीना या एक साल बैठना पड़े तो हम लोग उसके लिए बैठेंगे। टीशर्ट जो संक्रामक बीमारियां होती हैं वो पशुओं से उत्पन्न होती है, उन पशुओं में हम जाकर उसको डायग्नोस करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं और हम मानव जाति को उन बीमारियों से, जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। हमारा मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायित्व हो जाता है। हम अगर अपना काम रोक दें तो बहुत नुकसान हो सकता है। अगर सरकार पशुओं के हित में नहीं सोच सकती, कम से कम इंसानों के हित में उन्हें सोचना चाहिए और हमारा मानदेय बढ़ाना चाहिए। हम सब यहाँ पे अपने हक और सम्मान की लड़ाई के लिए बैठे हैं। ये कहाँ तक उचित है कि जो इंसान MBBS डॉक्टर है उन लोगों को UG का अगर देखा जाए तो 18,000 से लेकर 25,000 तक मिलता है और हम लोगों को मात्र 5,000, और फिर PG जबकि वो और हायर कोर्स है तो वहाँ पे हम लोगों को घट के 1,800 हो जाता है, और फिर वही अगर MBBS का देखा जाए तो PG फेलोशिप 60,000 से लेकर 80,000 तक है। इतना कम हम लोगों को दिया जाता है कि इससे हम लोगों का डेली रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि 60 रुपये में क्या होता है, आजकल जो अनस्किल्ड वर्कर्स है उन लोगों का भी 300 से लेकर 500 तक होता है। तो हम लोग पहले भी हड़ताल कर चुके हैं, हम लोगों को बस माननीय पशुपालन मंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, इन सबसे बस आश्वासन मिला है, अभी तक लिखित में कुछ भी नहीं मिला है। तो हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जब तक हम लोगों को लिखित में कुछ नहीं मिल जाता हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आदमी के डॉक्टर को 25,000 और जानवर के डॉक्टर को 5,000, ये ऐसी समानता की जैसे मांग को लेकर वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। हम अभी खड़े हैं वेटनरी कॉलेज के गेट पर और यहाँ देख सकते हैं स्ट्राइक का बोर्ड लगा, बैनर लगा दिया गया है। जो PG डॉक्टर है, इंटर्नशिप डॉक्टर है, सभी लोग हड़ताल पर चले आए हैं और नए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि जो 6 महीना पहले 23 दिसंबर 2021 को ये लोग हड़ताल पर गए थे और उस वक्त के पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी जी 24 दिसंबर को आए थे और इन लोग की हड़ताल को तुड़वाए थे। 15 दिनों में इन लोग की मांग पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये इन लोग की मांग पूरी नहीं हुई। अब 6 महीने बाद फिर एक बार ये लोग हड़ताल पर चले आए हैं। इन लोग की जो मुख्य मांग है कि इन लोग का जो मानदेय है वो बहुत ज़्यादा कम है, अन्य राज्यों की अपेक्षा भी कम है। और जब हम बात करें आदमी की डॉक्टर की, तो आदमी के डॉक्टर की अपेक्षा 5 गुना इनका जो मानदेय है कम है। हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि फिर दोबारा हड़ताल पर। देखिए, हम लोगों की मांग जो है, हम लोग पिछले 21 दिसंबर को हड़ताल पर बैठे थे और उसमें पशुपालन मंत्री जी यहाँ आए भी थे और यहाँ पर हम लोग को आश्वासन मिला था कि आप लोग की मांग को माना जाएगा, लेकिन इतने महीने बीतने के बावजूद भी हम लोग के मांग को नहीं माना गया। उसके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री भी यहां पर आए थे, उसने भी आश्वासन दिया लेकिन हमारी मांग को नहीं माना गया। अब आप ही बताइए, हम लोग के इंटर्नशिप अलाउंस सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया में हम लोग कैसे काम करें? जबकि दूसरे राज्यों में आप देखिए, बगल में उत्तर प्रदेश है वहाँ 23,000 रुपया है, केरला में 20,000 रुपया है यही वेटनरी डॉक्टर को। हम लोग उस बेजुबान का इलाज करते हैं जिस बेजुबान
बेजुबान जो कि अपना रोग तक हम लोग को नहीं बता पाते हैं, उस बेजुबान का हम लोग इलाज करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जाता है। हम लोग अब ये चीज़ नहीं सहेंगे, इस तरह के सौतेले व्यवहार का हम लोग नहीं, बिल्कुल नहीं सहेंगे। और हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग के मांग को जितना जल्द से जल्द हो लिखित में पूर्ण किया जाए। ये सिर्फ अब आश्वासन से नहीं होगा, जब तक हम लोग के मांग को लिखित में पूर्ण नहीं किया जाता तब तक हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। अंबुज कुमार, ये डॉक्टर अंबुज कुमार हैं, 6 महीना पहले मुकेश सहनी जो समय पशुपालन मंत्री थे उन्होंने 15 दिन का मौखिक आश्वासन दिया था, लेकिन अभी आर पार की लड़ाई में कि मूड में दिख रहे हैं और इन्होंने कहा कि अब लिखित मौखिक नहीं लिखित आश्वासन चाहिए। अभी जो पशुपालन मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के पास है, मांग है आप लोग का आदमी और जानवर के दोनों डॉक्टर, इतना फर्क है। यही तो बात है, डॉक्टर भी सेम है, प्रोफेशन भी सेम है, एग्जाम भी सेम है, पर पैसा हम लोगों को सिर्फ अलग मिल रहा है। क्यों? सिर्फ वहाँ दांत का इलाज करने वाले, सिर्फ एक किसी एक ऑर्गन का, सिर्फ हाथ का इलाज करने वालों को इतना इतना पैसा मिल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे जानवर, सिर्फ एक जानवर नहीं, हाथी से लेके घोड़ा से लेके जितना वाइल्ड एनिमल है, जितना जू का एनिमल है, जो भी किसी का गाय है जिसके वजह से दूध मिल रहा है, जितना मुर्गी है जिसके वजह से अंडा मिल रहा है, मीट मिल रहा है, सब कुछ इसी GDP पे चल रहा है, और हम लोग के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? कब तक आप हड़ताल पर रहे? ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक सरकार हमारी मांग लिखित में नहीं सुनेगी, लिख के नहीं देगी, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। लास्ट टाइम भी 6 महीने पहले हमने हड़ताल करी थी, हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन बाद कुछ करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अब जब तक हम सरकार हमारी लिखित में नहीं देगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। कब से मांग है आप लोग? हम लोग का ये मांग जो है 2016 से है। आपको मैं बता दूँ कि 2016 में हमारे बिहार का जो है सिर्फ और सिर्फ 50 लाख लीटर जो है दुग्ध का उत्पादन था, लेकिन हम लोग की वजह से अभी हमारे बिहार में 115 लाख दूध का उत्पादन जो है सो बढ़ा है, ठीक है, वो हम लोग की वजह, लेकिन फिर भी हम लोग के साथ सरकार ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? हम लोग के PG में सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपया अलाउंस दिया जा रहा है, 60 रुपया पर डे के हिसाब से दिया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होता हम लोग हड़ताल समाप्त करने नहीं जा रहे हैं। क्या जो आदमी PMCH या IBMS इन सब के जो डॉक्टर हैं उन लोग को क्या PG में क्या है? सर जो PG के सर जो है, जो इंटर्नशिप का सर 18,000 मिलता है उन लोग का बिहार में, और जो सर PG फर्स्ट ईयर का मिलता है, जो PG फर्स्ट ईयर का मिलता है सर MBBS वाले को, वो मिलता है 65,545, PG सेकेंड ईयर को मिलता है सर 75,399, और PG थर्ड ईयर को मिलता है सर 82,938 रुपया, जहाँ पे हम लोग को सर 1800 रुपया सिर्फ PG फेलोशिप मिलता है, और इंटर्नशिप अलाउंस 5,000 रुपया है सर सिर्फ। अब आप लोग हटेंगे? नहीं सर, नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी सर तब तक इंडेफिनिट स्ट्राइक है, हम लोग नहीं हटने वाले हैं यहाँ। मेरा नाम डॉक्टर अनंत किशोर है और मैं PG स्टूडेंट हूँ। हमें जो हम यहाँ पे क्लिनिक में सेवा दे रहे हैं अपनी, हमें रोज़ दिन के हिसाब से 60 रुपये मजदूरी मिल रहा है, अगर महीने से देखा जाए तो 1800 रुपये, जबकि वही जो अदर मेडिकल कॉलेज है, यूनानी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, उन सब में 4 गुना 5 गुना ज़्यादा उन्हें दिया जा रहा है, और हमें सिर्फ मात्र 1800 रुपये दिया जा रहा है। तो हम इस तरह से किस तरह सेवा कर सकते हैं, जबकि वो सिर्फ एक स्पीशीज़ ह्यूमन की सिर्फ सेवा कर रहे हैं, और हम ह्यूमंस को छोड़ के बाकी सारे स्पीशीज़ की सेवा कर रहे हैं, तब हमें 1800 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, तो और क्या है? एक दिहाड़ी मजदूर से भी गंदा हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, और जो भी हमारा फेलोशिप है उसे ह्यूमन के इक्वलेंट किया जाए, और ये हमारी डिमांड है। इसके लिए हम अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये डॉक्टर ने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी, अब किसी भी सूरत में अब हम लोग हड़ताल से हटने नहीं जा रहे हैं। ये मांग इनका 2016 से है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि 2016 में जो दुग्ध उत्पादन था वो काफ़ी कम था, और उनके अभी एक लाख से ज़्यादा लीटर दूध जो है वो इनके काम की वजह से बिहार सरकार को मुनाफा हो रहा है, लेकिन इनका बिहार सरकार को मुनाफा हो जा रहा है लेकिन इन्हें जो मिलना चाहिए वह काफ़ी कम है, और अब ये अपनी लड़ाई को तेज कर दिया और अपनी मांग को लेकर रहेंगे। इसी के साथ ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जुट गए हैं। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, ABP News पटना। Oh, 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 oh,